नमस्कार दोस्तों, माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ताज़ा जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली जाकर बिहार के सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात को लेकर चर्चा यह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की तरफ से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जेडीयू के लिए तो खास महत्वपूर्ण है ही, और वहीं एलजेपी के लिए भी यह दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, टूट के दावों के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास पटना पहुंचे। वो दो दिनों तक बिहार में रहेंगे और पार्टी के साथ सभी बड़े नेताओं के साथ वन टू वन बात करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसे आलाकमान तक पहुंचाएंगे। कहीं कोई असंतोष है तो उसे भी सुलझाएंगे। कांग्रेस के भविष्य और अभी एलजेपी के मुद्दे पर प्रणय प्रबंधा ने चरण भक्त शर्मा से बातचीत भी की थी। अगली खबर, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार एक बार फिर सामने आ गई। इस बार तकरार जुबानी ना होकर आदेश पालन को लेकर भी दिख रही। शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थापन में महिलाओं के लिए 35% सीट रखने के आदेश दिए, तो वहीं भूमि सुधार विभाग ने 22 सीओ का ट्रांसफर किया, जिसमें एक भी महिला अधिकारी को जगह नहीं दी गई। इसके बाद से चर्चा शुरू हो गई कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बीजेपी जेडीयू में पावर बार हो रहा है। अगली खबर दोस्तों, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह के प्रति लोगों में दीवानगी कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि उनसे मिलने के लिए उनके फैंस कुछ भी करने को तैयार हैं। तभी कोई व्हील चेयर रिक्शा से सैकड़ों किलोमीटर चलकर उनके घर आ रहा मिलने चलाता है, तो कोई गाना गाकर उनसे मिलने की गुहार लगा रहा है। लेकिन आज जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। दिल्ली से उनसे मिलने आए एक फैन ने अपना हाथ काटकर उस पर पवन सिंह का नाम लिखवा लिया और उनके आरा आवास पर मिलने चला आया। अगली खबर दोस्तों, भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने बिहार सरकार द्वारा युवा व महिलाओं को 5 लाख अनुदान और 5 लाख लोन देने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए 19 लाख स्थायी रोजगार का यह विकल्प नहीं हो सकता। बीजेपी जेडीयू सरकार अपने चरित्र के मुताबिक बिहार के युवाओं से एक बार फिर विश्वासघात कर रही। सम्मानजनक और स्थायी रोजगार को लेकर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी ने शिक्षा विभाग द्वारा 13 अप्रैल 2021 को जारी किए गए नए संकल्प के आधार पर बिहार के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को 11 महीने के एक्सटेंशन के साथ अधिकतम 50,000 मानदेय का भुगतान करना है। और इस बीच पटना विश्वविद्यालय ने 4 जून को प्रक्रिया शुरू कर दी है और 18 जून को अधिसूचना जारी कर दी, यानी 14 दिनों के अंदर मानकों के अनुरूप चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रक्रिया पूरी करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन जाएगा। अगली खबर, मुंगेर गोलीकांड के बाद नए डीएमएसपी की तैनाती की गई थी। उस समय बिहार निर्वाचन आयोग ने मुंगेर के डीएम राजेश मीना और एसपी लिपि सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था। हालांकि 8 महीने बाद ही फिर से मुंगेर की डीएम रचना पाटिल को हटा दिया गया है। रचना पाटिल को मुंगेर डीएम पद से हटाते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में ही अपर सचिव बनाया गया है। रचना पाटिल की जगह मुंगेर के डीएम के तौर पर नवीन कुमार को भेजा गया है, जो पहले जहानाबाद के डीएम हुआ करते थे। साथ ही दोस्तों, बिहार में बेरोजगारों से ठगी का बड़ा नेटवर्क एक्टिव हो चुका है। कर्मचारी बीमा योजना के नाम पर ठगी की जा रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए चल रहे इस खेल पर राज्य कर्मचारी बीमा निगम ने लोगों को अलर्ट किया है। कहा कि किसी भी दशा में ऐसे झांसे में नहीं आए। कर्मचारी बीमा के नाम पर पैसा मांगने वाली एजेंसियों को पैसा नहीं दे। बिहार में अभी कई जिलों में शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती हो रही है। इस भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से कहा जा रहा है कि आपका इंश्योरेंस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। दोस्तों, नई दिल्ली रांची एक्सप्रेस के ऊपर धनबाद डिवीजन के गया मानपुर कोडरमा के रूट पर बसकटवा और नाथगंज के बीच सुबह सुबह लैंड स्लाइडिंग के साथ भारी चट्टानें गिर पड़ी। ट्रेन दिल्ली से गया होते हुए रांची जा रही थी। ट्रेन के ऊपर चट्टान गिरने से ट्रेन में पैसेंजर्स के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रेन की कुछ बोगियां डैमेज हो गई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल ट्रेन ट्रैक पर खड़ी है। इसके पीछे से गया से आसनसोल जा रही एक्सप्रेस ट्रेन को बीच में रोक दिया गया है। गया से कोलकाता कोडरमा और रांची को जाने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है।
अगली खबर, बिहार में मॉनसून आने के बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है और राज्य में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। वज्रपात को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में सभी 38 जिलों में शनिवार से लेकर रविवार तक बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं। राज्य में 21 जून तक ब्लू अलर्ट पहले से है। पटना में सुबह से तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के सभी क्षेत्रों में मॉनसून की सक्रियता जारी है, इस कारण से प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा रही है। साथ ही दोस्तों, लगातार हो रही बारिश के बीच पटना में सातवें चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की करीब 300 साल पुरानी मूर्तियों को चोरी कर लिया गया। सभी भगवानों की मूर्ति बहुमूल्य अष्ट धातु से बनी हुई थी, जो काफी कीमती है। भगवान की मूर्तियों की चोरी का यह मामला पटना में आगम कुआं थाना के तहत कुमरार इलाके में स्थित राम जानकी मंदिर में की गई। सुबह मंदिर की खिड़की टूटी हुई मिली थी, इसके बाद चोरों ने यहीं से मंदिर के सभी मूर्ति को चोरी कर लिया। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।